भाई कुर्सी नहीं है ना तो बाल्टी पे बैठता हूँ। सो है गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिजन्स लवर। सो गाइज, आज तो जुगाड़ लेके आया हूँ सारा। सो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक ये है, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और जल्दी जल्दी बनाऊंगा। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि कबूतर का मुंह साफ कैसे करते हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो इस पन्नी में क्या है, तो भाई इस पन्नी में कुछ हथियार नहीं है, अभी आपको दिखा देता हूँ। इस पन्नी में सिर्फ पर भरे हुए हैं, ठीक है, और एक किसी पालतू कबूतर के नहीं है भाई, ये जंगली कबूतर के पर हैं। ये पूरे एक जंगली कबूतर को पकड़ के उसके सारे पर निकाल लिए थे मैंने, ठीक है। मैंने सोचा कि आगे चल के काम आएगा, और ये बाल हमारे सेट होते हुए बिगड़ गए हैं। तो भाई, एक भाई ने बहुत परेशान कर रखा था। देखो, गुस्सा तो सबको आता है, मुझे भी गुस्सा आया, तो वीडियो गुस्से में ही बना रहा हूँ। एक भाई ने परेशान कर रखा था, भाई मुँह साफ कैसे करते हैं, मुँह साफ कैसे करते हैं, मुँह साफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला चलो यार वीडियो बना देते हैं, भाई को दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि देखो भाई, आपके लिए ही हम हैं और हमारे लिए ही आप हो। मेरा मतलब कहने का कि क्या बोलूं। सो गाइज, उन भाइयों ने इतना कहा तो मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कबूतर का मुंह साफ कैसे करते हैं। और भाई, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि किसी कबूतर के मुंह में कपासी, कैंकर, जो भी कुछ कहते हैं, चिपचिपा सा हो जाता है, और वो जो पीले कलर का होता है, ठीक है, कैंकर जिसे कहते हैं, वो हो, तभी मुंह साफ करे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई नए कबूतर बाद जिन्होंने नए कबूतर पाले हैं वो अपने कबूतर को पकड़े और उसके मुंह में खपच्ची मारने लग जाए मेरा मतलब कि उनके मुंह साफ करने लग जाए। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ, बाल बिगड़ गया यार फिर से, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन भाइयों के कबूतर के मुंह आ जाए, ठीक है, वो मुंह में चिपचिपा सा हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने कबूतर का मुंह साफ कर ले। तो अभी मैं अपना एक कबूतर पकड़ता हूँ और आपको मुंह साफ करके बताता हूँ उस कबूतर का, कि कबूतर का मुंह साफ कैसे करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई, काफ़ी भाइयों ने मेरे को परेशान करा कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो, तो कुछ भाइयों के ऊपर मैं दया दृष्टि दिखाना चाहूँगा। तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। भाई बोल रहे थे कि मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ, तो चेक करके देख लेना आप कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। सो गाइज, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मेरा खुद का टिकटॉक आईडी। तो गाइज, मेरे को टिकटॉक पे फॉलो करो यार, 30,000 बंदे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो, 30,000 में से भाई 3,000 लोगों ने भी फॉलो कर लिया ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो गाइज, जाओ टिकटॉक पे फॉलो करो, सबसे पहली लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन खोलते, सबसे ऊपर मेरी टिकटॉक की लिंक मिलेगी, टिकटॉक पे जाओ मुझे फॉलो करो। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अबे यार सारे कबूतर, बैकग्राउंड में कबूतर ही नहीं बैठ रहे, अभी बिठा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, अब थोड़ी यहाँ पे हरियाली दिख रही होगी, अभी मैं अपना एक कबूतर पकड़ के लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कबूतर का मुंह साफ कैसे करते, ठीक है। तो जब तक के लिए इंतजार करो हमारा, कोई सा भी कबूतर पकड़ लो, ठीक है। तो मैंने ये कबूतरी पकड़ लिया, ये भाई बता देना यार कमेंट में कौन सी कबूतरी, और भाई कमेंट क्यों नहीं करते भाई, कमेंट करने में क्या जाता है, फ्री में ही तो करते हैं, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट पढ़ने बहुत मजे आते हैं। तो भाई जी, हमने एक कबूतरी पकड़ लिया है, ये पता नहीं देसी है क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो कमेंट में बताना भाई कौन सी कबूतरी है, और अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे साफ करना है। तो गाइस, मैंने एक जंगली कबूतर पकड़ा था, ठीक है, उसके सारे पर मैंने नोच लिए थे, गंदे कमेंट मत करना, एक बात कह रहा हूँ मैं, बाजू के सिर्फ। तो भाई ये रहा वो कबूतर बोल रहा हूँ, उसके पर, ये पूरे पन्नी में उसके पर हैं, ये स्पेशली मैंने इसलिए रखे ताकि मेरे कोई कबूतर के मुंह आ जाए तो मेरे को उसका पर ना नोचना पड़े, इसलिए मैंने जंगली कबूतर के पर रखे हैं। तो मैं बता देता हूँ, इस पन्नी के अंदर भरे हुए हैं पर, और आपको एक पर ले लेना है, ऐसा एक पर दिख रहा है, एक पर ले लिया, आप पूछ का ले लो चाहे बाजू का ले लो, वैसे पूछ का ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है भाई। तो ये ले लिया आपने एक पर, और अगर आपके पास पर ना हो तो कबूतर की पूछ में से पाड़ लेना, कोई सा भी एक पर उखाड़ लेना। तो भाई ये रही कबूतरी और ये रहा पर। अब आपको करना क्या है, जो भी देखो, जो भी सिस्टम लगाना होता है
अगर कबूतर के मुंह में चिपचिपा चिपचिपा सा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं कबूतर के मुंह में पर डालते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमा घुमा के साफ करते हैं। या तो अगर इस पर से साफ नहीं करना आपको, तो कॉटन स्वैप आती है ना कान खुजाने वाली, उससे कर सकते हो आप। सो गाइस, कबूतर को लेना है, कबूतर का मुंह खोलना है। इसको खोलूं कैसे यार, अकेले क्या क्या करूं मैं। बेटा तेरा बाप भी खोलेगा, मुंह खोल। तो गाइस ये कबूतर ने मुंह खोल लिया, ये रहा पर, और ये इसके मुंह में डाल देना है। इसके मुंह में डाल दिया, ये पर डाल दिया, इसको यूं गोल गोल घुमाना है, ठीक है। इसके मुंह में कुछ नहीं आया भाई, मैंने भाई ये रही अपनी कबूतरी, ठीक है। इस कबूतरी को पकड़ लिया। अबे सालो चींची मत करो। और ये रही अपनी कबूतरी, कबूतरी कबूतरी यहीं रह तू भी, अले छिलके। तो भाई ये रे पन्नी में पर, ये पूरे पन्नी में पर मैंने रख रखे हैं स्पेशली कबूतरों का मुंह पोछने के लिए रखे हैं, मुंह साफ करने के लिए, ठीक है। इससे अच्छे से होता है, जो पर होते हैं ना कबूतरों के, पन्नी को रख दो साइड में। कितने दिन चलेगी ये पन्नी? बहुत दिन चलेगी। तो अगर कबूतर के मुंह में चिपचिपा चिपचिपा सा हो जाए पानी, तो इसका मुंह साफ करके फिर एक बीकासुल की टैबलेट आती है, ठीक है, 2 रुपये की एक गोली मिलती है, कैप्सूल होती है, उसको खोल के और इसका मुंह खोल के उस कैप्सूल को खोल देना, फिर इस कबूतर का मुंह खोल के आधा कैप्सूल उसके मुंह में पूरा भर देना और एक पेटी में छोड़ देना। ध्यान रखे कि कबूतर के अगल बगल में पानी ना हो, कबूतर पानी पिएगा वो पूरा जितना भी पाउडर फॉर्म है कबूतर के पेट में चले जाएगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं 2 घंटे बाद, ठीक है। तो भाई ये वाली कबूतरी तो भाई अब खुली हुई है तो पकड़ में आएगी नहीं, तो मैं अब इसके ऊपर ट्राई करता हूँ। तो जस्ट भाई ये अभी अभी 2 मिनट हुए होंगे इसे पकड़े, सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और अभी ये कबूतरी पकड़ी है। अबे रुक जा, कहाँ जाएगी ये कबूतरी पकड़ी है भाई बताना। भाई जहाँ तक मुझे पता है भाई ये प्योर पंजाबी कबूतर है, ठीक है। आपको लगेगी देसी, लेकिन ये देसी है नहीं। जैसे इसके इसके परों की बनावट है, ये रे इसके पर। और भाई मैंने पिन मार दी, ये पिन लगी हुई अगर आपको दिख रही हो तो, मैंने इसके पिन मार दी। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कबूतर का मुंह खोलोगे तो चिप 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 हो रहा होगा उसके गर्दन में, यूँ गले के अंदर। आप यूँ हाथ डाल के छुओगे तो चिप 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 हो रहा होगा, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ जी कौन? कैसे हो मनीष भाई? ठीक हूँ भाई। भाई आपका नंबर ग्रुप में से दिखाना यार। आपके ग्रुप में ऐड हूँ मैं यार। भाई मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करना, ठीक है। ठीक है भाई, उठाओगे ना फोन? हाँ हाँ उठा लूँगा। ठीक है भाई, ठीक है। सो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर कबूतर का मुंह खोलोगे तो उसके मुंह में चिप 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 हो रहा होगा, तो आपको करना है क्या है भाई, ऐसे कबूतर पकड़ना है आपको कबूतर का मुंह साफ करने के लिए। कबूतर को ऐसे पकड़ना है, ये लेना है कबूतर का पर, या तो पूंछ का या तो बाजू का, कहीं का भी ले सकते हो। कबूतर की यूँ चोंच खोलनी है और ये उंगली से अटका रख, यूँ रखनी है उंगली से अटका के। कबूतर का ये लेना है मुँह और ये रहा पर, इसको सीधा मुँह में डाल देना, ठीक है। इसको यूँ मुँह में डाल दिया, ठीक है। और इसको मुंह में डालने के बाद यूँ गोल 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 घुमाना है, ठीक है। यूँ गोल गोल घुमाते रहना घुमाते रहना, अंदर ऐसे ऐसे तेज तेज की मत मारना, कबूतर के मुंह छिल जाएगा। बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से यूँ यूँ प्यार से एकदम घुमाते रहना, ठीक है। और फिर यूँ करोगे ना तो देखोगे इसके अंदर पूरा वो चिपचिपा चिपचिपा आ जाएगा। फिर इसको फेंक देना, फिर एक और लेना है, इसके मुँह में डालना, घुमाना है, ठीक है। दूसरी बार में बिल्कुल साफ हो जाए तो ठीक, वरना एक और पर लेना, इसके मुंह में डालना, घुमाना है, फिर खोल के यूँ देख लेना, बिल्कुल साफ हो जाएगा तो बीकासुल पाउडर डाल देना अपना, आपका कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। कबूतर का पूंछ का दुम ले लेना, पूंछ का पत्ता, वरना आप पूंछ का पत्ता भी ले सकते हो और यहाँ का पत्ता भी ले सकते हो, वैसे पूंछ का लोगे तो ज़्यादा बेटर है। कबूतर का मुँह खोलना है और 2 या 3 पत्ते ले लेना, इसको मुँह में डालना है, ठीक है। ये नया कबूतर है, इसी पर टेस्टिंग कर ले रहे हैं। साला ये भी गाली देगा, बोलेगा अभी अभी इस बंदे ने मेरे को पकड़ा, इतनी बेरहमी से पिन मार दी, मतलब जो भी कुछ कह लो, अब ये मेरे मुंह में पता नहीं क्या डाल के हिला रहा है, हिला रहा है, कुछ और मत समझ लेना भाई इसका मतलब। तो भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाना है, फेंक देना, एक और लेना है मुँह में डालना है,
गोल 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 घुमाना है, करके ही दिखा देता हूँ यार, फिर बोलोगे ये सारे पर इसमें भरे हुए हैं। सो एक और ले लिया, ठीक है। और गाइस इसको इसके मुंह में डालना और घुमा देना, ठीक है। देखना मुंह खोल के पूरा साफ हो गया है, तो बीकासुल का एक कैप्सूल लेना, उसको खोलना, इसके मुंह में पूरा भर देना और इसे खाली सी पेटी में छोड़ देना, ठीक है। 2 या 3 दिन में आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ दूसरी वाली बीमारी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आप कबूतर का मुंह खोल के सूंघोगे ना नाक लगा के, तो बहुत बदबू आएगी उसके मुंह में से, ठीक है। बहुत जहरीली गैस की बदबू आती है, मतलब जो भी है गंदी सी बदबू आती है, पूरा पीला 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 चिपका रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर वो मोटा मोटा हुआ तो यूँ पर डाल के यूँ निकाल लेना उसे, ठीक है। फिर पर के अंदर ना कत्था लगा लेना, जो पान खाते हैं तो पान में जो कत्था होता है, फिर इसके मुंह में डाल के पूरा घुमा देना, ठीक है। तो गाइस यही मेरे को बताना था, तो मैंने वीडियो बनाई और मुझे लग नहीं रहा कि छोटी सी वीडियो बनी होगी, तो ज़्यादा ही लंबी होगी। और भाई अब आपको इस कबूतर का शौक करा देता हूँ कि ये कबूतर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। भाई ये रहा कुछ अपना कबूतर, कबूतरी मादिन है शायद से, ठीक है, पकड़ी है अभी अभी। और ये रही इसकी आँख, उसकी आँख, ठीक है भाई। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना है कबूतरी कैसी लगी और क्या है इसकी नस्ल, क्योंकि देखो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये पंजाबन कबूतरी है, पंजाबी कबूतर है, ठीक है। इसके पर दिखा देता हूँ, ये इसके पर मैंने बांध दिए। ये रही कल्परी कल्दमी कबूतरी है, प्योर कल्दमी है और कल्परी कबूतरी है। ये रही इसकी पूंछ, ठीक है, इसकी पूंछ दिख गई। और ये रही आपकी कबूतरी, मतलब हमारी कबूतरी, ठीक है गाइस। ये बड़ा मस्त लगता है, टन 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 बजते रहता है, तो ऐसा लगता है किसी गाय के गले में घंटी बांध रखी, टन 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 टन, दो दो कड़े पहन रखे हैं, ठीक है जी। देख ली कबूतरी, आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी तो, अगर पसंद आई होगी तो भाई लाइक ज़रूर से करना भाई, बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोग लाइक करते हो तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो यूँ बटन दबा के यूँ लाइक कर देना वीडियो को। और अगर मेरे को पहली बार देख रहे हो, मेरी बकबक पहली बार सुन रहे हो इस चैनल पे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नहीं पता सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो ऐसे सब्सक्राइब होता है, ये जो आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, इसको दबा के नीचे होगा इस साइड में, हाँ इसी साइड में होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और शेयर करना इसे ग्रुपों में, ठीक है। अरे अरे गिर गया मर गया, शेयर करना इसे सभी ग्रुपों में। और ये कौन सी नस्ल का कबूतर है ये भी बता देना। और गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय। और हाँ टिकटॉक पे ज़रूर से फॉलो कर लेना भाई, कुछ करना चाहे मत करना, टिकटॉक पे फॉलो कर लेना, सबसे पहली लिंक मिलेगी। और किसी भाई को कोई परेशानी है कबूतरों से रिलेटिव, मतलब कबूतर उनके बीमार हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहे हैं, तो भाई टिकटॉक लिंक के नीचे वाली जो लिंक होगी ना, उसमें बहुत सारे ग्रुपों के लिंक होंगे, 6-7 ग्रुपों के, तो भाई आप ज्वाइन हो जाना, किसी से कुछ भी सवाल पूछ लेना, वो आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। और ये बताना कितने घंटे उड़ेगा, अगर इसे सुबह 6 बजे उड़ा दिया तो मुझे तो लग रहा है रात को उतरेगा 9:30 बजे, ठीक है। तो आप बता देना, वैसे आप डरना मत इसको देख के, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और एक इसका भाई भी दिखाता हूँ, इसका अरे 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 इसका भाई भी है, अरे खैर गाइस ये ज़्यादा दिन जीते नहीं है, मैं आज इन्हें लेके आऊँ, मतलब ये 6-7 दिन बाद मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी छत साफ़ सुथरी रहती है, ये उन्हीं बंदों के यहाँ ज़िंदा रह पाते जिनकी मतलब गंदगी में रहते हैं, कीड़े वीड़े खाते, तो मेरे यहाँ ज़िंदा रहेंगे नहीं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय 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 बाय।